रुमाना, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है मामला। भगवंत मान 23% यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल 17%, चरणजीत सिंह चन्नी, क्योंकि उनके आने के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं। अब जरा आपको, जैसा रमेश विनायक जी हम कह रहे थे कि आप कह रहे थे जल्दबाजी है, नहीं, हम हर रोज एक नए आंकड़े के साथ आ रहे हैं और अब आपको ये दिखा देना चाहते हैं कि पंजाब में आप देखिए इन सारी पार्टियों में सीएम की पसंद के तौर पर कैसे बदला है आंकड़ा नवंबर दिसंबर और आज की तारीख में। अमरिंदर को नवंबर में 7% लोग पसंद कर रहे थे, दिसंबर में 2%, आज की तारीख में 6% पसंद कर रहे हैं। सुखबीर को देखिए आप, 16% पसंद कर रहे थे नवंबर में, दिसंबर में आइए 1% बढ़ता है मामला 17% और आज की तारीख में 15%, 2% घट जाते हैं। अरविंद केजरीवाल 21% से शुरुआत हुई थी नवंबर में, यह आंकड़ा 24 हुआ दिसंबर में और आज की तारीख में नीचे घटता हुआ 17% पर आ गया है। चरणजीत सिंह चन्नी 31, 33, 29, बहुत ज्यादा फासला नहीं, लेकिन नवंबर दिसंबर और आज की तारीख में लोग कैसे इनके चेहरे पर मोहर लगा रहे हैं वो दिख रहा है। कभी गिरते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी गिरते हैं। सिद्धू आप देख रहे हैं, अगर सीएम के तौर पर इन्हें देखें तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं, लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये चेहरा है, सबसे चौंकाने वाला चेहरा भगवंत मान 14% थे नवंबर में, आप देखिए 14% और आज की तारीख में कहां खड़े हैं 23%, दूसरी सबसे शानदार पसंद के तौर पर। और इसीलिए एक बड़ा सवाल आज की तारीख में, और इस जवाब इसका जवाब जानने के लिए जगविंदर का रुख करते हैं। जगविंदर, भगवंत मान एक सरप्राइजिंग चेहरे के तौर पर दिख रहे हैं। देखिए, पहली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के पास इसके अलावा और कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि अब रास्ते अलग हो चुके हैं बलबीर सिंह राजेवाल के और सारी बात टूट चुकी है, वरना वो उनके कॉम्पिटिटर थे आम आदमी पार्टी के लिए कुछ समय पहले तक। दूसरी बात यह है कि 5 से 10% वोट स्विंग होता है चीफ मिनिस्टर का चेहरा देने थे। खास बात यह है कि जो हमारे ये दोनों नंबर वन और नंबर टू हैं, दोनों ही अभी तक सीएम का डिक्लेयर्ड चेहरा नहीं है। जब ये डिक्लेयर्ड चेहरा होंगे तो किसी का 5-7% ऊपर जाएगा, किसी का 5-7% वोट स्विंग होके नीचे जाएगा, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात यह है कि मालवा से भगवंत मान आते हैं, मालवा से ही पंजाब आदमी पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है और मालवा में 40 सीटें आई थी 2017 में कांग्रेस को, इस बार देख लीजिए आप आधी सीटों से भी कम पर चले गए हैं। तो ये मालवा रीजन ही है जिसके कारण भगवंत मान ऊपर जा रहे हैं, रूरल वोट बैंक ही है ऊपर जा रहे हैं, और दूसरा कांग्रेस उसी कारण नीचे आ रही है, वहां आधी सीटें रह गई हैं। सो कुल मिलाकर अगर किसान मोर्चा डैमेज करता है तो वो मालवा रीजन में ही डैमेज करेगा, और वो डैमेज किसका होगा अब सीटों के हिसाब से आप ये अंदाजा लगा लीजिए, वो डैमेज आपका होगा। ओके जगविंदर, ये जो सवाल आज आप पूछ रहे हैं सीएम के चेहरे की, यही बात रमेश जी ने भी उठाई और उसी का जवाब देने के लिए अलका लांबा उस वक्त भी कहना चाह रही थी कुछ बात को। अलका लांबा, चेहरा क्या चन्नी ही होंगे? रुपिका, सबसे पहले तो मुझे एक अच्छा महसूस हो रहा है कि आप बार बार अरविंद केजरीवाल का नाम सीएम के तौर पर सर्वे में आ रहा है, और बिल्कुल लोगों को साफ संदेश है, धोखे में मत रहिएगा, मान तो बहाना है, मान तो बहाना है, अपनी दिल्ली से पंजाब चलाना है। बहुत अच्छा किया, अगर आप लुढ़कना ही है केजरीवाल का और मान का जवाब बारी बारी बढ़ने के बाद भी खुद उनकी पार्टी उनसे विश्वास में दिला रही, एक ही कहता है पर नाम घोषित कर तो उनको घबराहट हो रही है। चन्नी जी की बात है, मालवा रीजन बहुत अच्छा था, मैं 2017 में फिर कह रही हूँ, आम आदमी पार्टी की विधायक थी, पूरा एनआरआई जो बैठा हुआ है वो मालवा में आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहा था, 69 में से 40 कांग्रेस को मिली और आम आदमी पार्टी को मिली 8-18 और अकाली दल को 8 मिली। उस मालवा रीजन जहाँ से चन्नी जी के आते हैं, चन्नी जी का सीएम की पॉपुलैरिटी आप दिखा रहे हैं बढ़ रही है, ग्राफ बढ़ रहा है, वो उसी रीजन से आते हैं, क्यों बढ़ रहा है? काम का आधार, आधार क्या है? लोक का जीत सकता काम है आधार, इसलिए चन्नी पॉपुलर है। जो मालवा रीजन में 40 विधायकों ने पिछले, नहीं तो मैंने मान लिया चन्नी पॉपुलर है, मैं मान रही हूँ इस बात को, लेकिन आप ये बताइए कांग्रेस पार्टी उनको सीएम के तौर पर ही प्रोजेक्ट कर रही है? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, आज की तो सच्चाई है कि मुख्यमंत्री के पद पर चन्नी जी बैठे हुए हैं, चन्नी जी 111 दिन के तो काम उनके खुद के रहे, उसे लेकर आगे जा रही है। नहीं अलका जी, आज के तौर पर तो है, पर वो कॉन्फिडेंस आने वाले दिनों में क्यों नहीं दिख रहा है उनके चेहरे पर? लड़िए ना चुनाव, कौन रोक रहा है, लेकिन वो चेहरे पे मुस्कान अभी रमणी जी की दिखाई दे रही है, ये मुस्कान क्यों गई? अलका लांबा, रूबिका जी, दल के नेता रूबिका जी, अलका जी, थैंक यू, आपने अपनी बात रखी, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको 2-3 बातें बताता चलूं। पंजाब के लोग भरोसा करके ताकत पे खड़े हुए दिख रहे हैं, चेहरे के पीछे आपको दिख रहे हैं। देखिए ऐसा है, ओके, वो
अरे भाई जनता तो खड़ी है चेहरे के पीछे, कांग्रेस खड़ी है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है ना। रमणीक जी जवाब दीजिए प्लीज। रूबिका जी देखिए एक बड़ा दिलचस्प शेर है, कहते हैं हमें मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन चन्नी दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। चन्नी साहब को पता है कि उनको मुख्यमंत्री कौन बना देगा, माई बाप बैठे ऊपर, ऊपर से तो कुछ और ही चाबुक चलेगा, नंबर एक बात है। नंबर दूसरी बात है, अभी राघव जी कह रहे थे कि रिवायती पार्टियों से लोग उब चुके हैं, वो चाहते हैं कुछ नया हो, तो मैं आपको बताता हूँ नया क्या हो सकता है। और हालांकि देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इस बात में कोई डिनायल नहीं है कि आम आदमी पार्टी को इस वक्त एडवांटेज है पंजाब में, और वो वाजे तौर पे नजर आ रहा है। उसका कारण भी है कि उन्होंने सब सीटें डिक्लेयर की हैं, पर पंजाब ने बहुत कम ऐसा हुआ है कि केंद्र के साथ पंजाब चले, और पंजाब बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट के चल नहीं सकता। जैसे दिल्ली में केजरीवाल साहब रोते रहे कि साहब कभी एलजी हमारा समर्थन नहीं कर रहा, केंद्र सरकार समर्थन नहीं कर रही, इनके पास हजार किस्म के बहाने होंगे, पंजाब मैनेज नहीं कर पाएंगे जब तो तक देखे ना सर। आप कह रहे हैं पंजाब में कुछ नया होगा तो पंजाब वेरी इंपॉर्टेंट। रमणीक जी आई डोंट हैव टाइम त्रिशंकु दिख रहा है, त्रिशंकु की स्थिति में आम आदमी पार्टी इज अनटचेबल पार्टी। क्यों? दिल्ली में इन्होंने कांग्रेस का समर्थन लिया, कांग्रेस को समाप्त कर दिया, ठीक है। जिसको ये हाथ लगाएंगे, जो आम आदमी पार्टी को समर्थन देगा त्रिशंकु की स्थिति में, उसको आम आदमी पार्टी। विनायक जी मैं चाहती हूँ आखिरी 10 सेकंड का कॉमेंट आपकी तरफ से। देखिए मेरा मानना ये है कि जो आपने सीएम फेस की बात कही है, इसमें कोई शक नहीं कि भगवंत मान एक पॉपुलर सीएम फेस के तौर पर अब देखे जाने लगे हैं, क्योंकि जो पहले था कि राज्यपाल को वो कोऑप्ट कर सकते हैं, वो दैट नाउ ऑप्शन इज ऑफ द टेबल। सो अब मुझे लगता है कि क्योंकि भगवंत मान बहुत एक एक्सपीरियंस सीजन पॉलिटिशियन हैं, 2 बार सीएमपी बन चुके हैं, और पंजाब के इश्यूज की उनकी काफ़ी पकड़ है, उनकी आर्टिकुलेशन हमने देखी है सारी कैंपेन के दौरान। मुझे ताजुब नहीं होगा कि यदि भगवंत मान अभी सीएम फेस के तौर पे इससे रेस में ही इन द रैकनिंग। सो आई एम नॉट सरप्राइज अबाउट दैट भगवंत मान इज नाउ एट पार विद देखिए बहुत से ऐसे बात करने वाले लोग अभी यहाँ पर आ जाएंगे जो कहेंगे भगवान मान क्यों नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है राघव जी, आई एम रियली सॉरी मैं आपका रुक नहीं कर पाऊंगी। ऑल द बेस्ट आपको भी, अलका जी को भी, रमणीक जी भी, और यहाँ पर बाकी पार्टियों के भी प्रवक्ता मौजूद थे। फिलहाल आगे उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, इन राज्यों के आंकड़े क्या कह रहे हैं, और मत भूलिए उत्तर प्रदेश कि जनता किस पर लगाएगी मोहर। अब ये ओपिनियन पोल आगे चलेगा, आप भी बने रहिएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।